हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट स्टॉम पे। तो बात करेंगे आईपीएल का, जो मीडिया राइट्स का ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है। पर तो आपको एक चीज़ बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बीसीसीआई जो इतने रुपए कमा रहा है उस पर टैक्स बीसीसीआई को पे नहीं करना पड़ता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब काफ़ी लोग जानना चाहते हैं भाई क्या रीज़न है इसके पीछे कि बीसीसीआई को इतने रुपये, जैसे 48,390 करोड़ रुपये बीसीसीआई ने आईपीएल मीडिया राइट्स से कमाए जो 2023 से 2027 तक रहेंगे। इसके अलावा इस साल दो नई टीमें भी आई थी, लखनऊ की बात करें या गुजरात की बात करें, दोनों का मिला के 12,700 करोड़ रुपये मिल रहे थे। इतना रुपया बीसीसीआई कमा रहा है फिर भी बीसीसीआई को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, ये एक सरप्राइजिंग चीज़ होती हुई नजर आई है। इसके बारे में सब लोग इंटरेस्टेड भी, भाई क्या रीज़न है इसके पीछे कि बीसीसीआई को इतने रुपए कमाने के बाद में टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो बात करें बीसीसीआई को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। एक है भारतीय कानून में एक चीज़ लिखी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट में आईटी का जो इनकम टैक्स का एक एक्ट है 12A 1961, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई अगर चैरिटेबल ट्रस्ट होता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। और बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत आता है जो किसी स्पोर्ट्स को इवेंट को प्रमोट करता है, क्रिकेट को बेसिकली हम जानते हैं क्रिकेट को प्रमोट करता है। तो जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, जो भी किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में इसमें भी एक बड़ी टक्कर हुई, इनकम टैक्स ने ये विरोध किया इसका चीज़ का कि बीसीसीआई को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता। और इसके विरोध में उन्होंने कहा कि जैसे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट आ रहे हैं वो बिजनेस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, ट्रेड पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, तो बीसीसीआई को इस पर टैक्स देना पड़ेगा। परंतु उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का वापस वो ऑर्डर आया और ये कानून खारिज होता हुआ नजर आएगा कि भाई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप अगर इनोवेटिव आइडिया, बीसीसीआई ने यही रखा कि हम तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, हमें तो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं जिसका मीडियम एक आईपीएल है, तो ये इनोवेटिव आइडिया लाना है अगर कोई गलत बात नहीं, तो इस ये कहकर वापस वो केस रद्द होता हुआ नजर आया, वापस बीसीसीआई को वापस रुपए देने नहीं पड़े। तो ये बड़ी चीज़ होती है नजर आई क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा बात करेंगे टीम्स को भी टैक्स देना पड़ता है, बात करें ब्रॉडकास्टर को भी टैक्स देना पड़ता है, परंतु बीसीसीआई को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इतने रुपये बीसीसीआई टैक्स बचा लेता है बैकडोर से, इतने रुपये का टैक्स बचा के बहुत चीज़ें। अब इस पर यार काफ़ी लोग कर रहे हैं कि टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और एक बात करें आईपीएल बना भी एंटरटेनमेंट के लिए पर्पज़ से, आपके या हमारे एंटरटेनमेंट बचपन के लिए, हम भी एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, आईपीएल को एंटरटेनमेंट के रूप से ही देखते हैं, इन्जॉय करते हैं मैचों को देखते, तो उस तरीके से भी देखा जा सकता है। परंतु एक चीज़ इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि बीसीसीआई को और चैरिटेबल ट्रस्ट तो है, तो इसके पीछे एक रीज़न है कि क्यों टैक्स नहीं देना पड़ता, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अपने हम 1983 मूवी देखी होगी, उसमें हम देखेंगे तो कि इतनी हालात बढ़िया नहीं थी क्रिकेटर्स का, उतना कैरियर के रूप में देखते थे कि लोग रेलवे में नौकरी करते हुए या बैंक में नौकरी करते हुए बात करते तो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते थे। पर तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि एक क्रिकेट एक राइवल कैरियर बन चुका है, लोग हम देख रहे हैं अनकेप खिलाड़ी भी 10 करोड़ रुपए आईपीएल में कमाते हुए नजर आ रहे हैं, 10 करोड़ रुपए तक उनकी बोली जाती हुई नजर आ रही है। तो अब जाके क्रिकेट एक बढ़िया कैरियर बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु हम पहले देखते थे उतना एक बड़ी क्रिकेट में कोई कैरियर नहीं होता था, लोग रेलवे में नौकरी करते थे, बैंक में नौकरी करते थे और साथ में देखो क्रिकेट भी खेलते थे, इसलिए इसे चैरिटेबल ट्रस्ट घोषित किया गया। तो बीसीसीआई इतने करोड़ रुपये बैकडोर से कमाती हुई नजर आ रही है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप भी अपने कमेंट करके आप अपनी राय शेयर करो कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है, बीसीसीआई को इतने रुपए पर टैक्स देना चाहिए या नहीं चाहिए। बीसीसीआई विश्व में सबसे पावरफुल संस्था है जो सबसे ज़्यादा रुपए कमाती है, नंबर वन पे बनी हुई है जो इनकम है इनकी, और इसका मेन रीज़न आईपीएल ही, आईपीएल की वजह से बीसीसीआई बहुत पावरफुल संस्था बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी, और आप भी अपनी राय इस पर शेयर करने की कोशिश करें, और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।